हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। वी आर सम इंटरेस्टिंग क्रिस्प एंड कुछ सीरियस न्यूज। तो गाइस, आज है मेरे चैलेंज का डे 20 एंड करेंगे ब्रो, करेंगे, ग्रो करना है ब्रो। चैलेंज लिया है तो करते रहेंगे। देन गाइस, लेट्स गेट बैक टू आवर न्यूज। तो अपनी पहली न्यूज है स्काउट भाई की। तो रिसेंटली स्काउट भाई ने कुछ ऐसी चीजें करी जिससे तो मेरी तो जल के राख हो गई। आप भी जलाओ अपनी। अब मैं लिटरली इतने, देखो इतने पास हूँ और अब प्लेयर्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। उधर आप देख सकते हो नवाज, डोनोरमा, सब लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। अभी टीम आने वाली है, सो लेट्स सी, अपडेट देते रहूँगा। सो गाइस, आपके क्या कमेंट है आप बता सकते हो बिंदास। देन गाइस, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है आई फ्लिक की। तो आई फ्लिक स्ट्रीम करे थे एंड वहाँ पर उन्होंने स्काउट वर्सेस मावी किया। तो कौन बेस्ट है आपके हिसाब से, आप बता सकते हो? भाई, you are saying Mavi is better than Mavi? पे लिखा है किसी ने जे, बट देखो देखो, मैं पर्सनल ओपिनियन, ना मैं कोई गेमर हूँ ना मैं कुछ हूँ, बट पर्सनल ओपिनियन कोई है नहीं है। तो भाई कंपैरिजन नहीं कर सकते यार, Mavi का कुछ अलग हिसाब का है। स्काउट प्रोफेशनलिज्म में आगे है, Mavi आइडिया मतलब में आगे प्रोफेशनल है। नहीं है जिस बंदे ने पूरा लोको को एक टाइम पे पूरा हाथ में लिया था वो बंदा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख रहे हो ना। यू मीन सीसीटीवी? हाँ भाई, सीसीटीवी। मैंने क्या बोला? सीसीटीवी बोला क्या मैंने? कुछ बोला ही नहीं। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है और भाई सोल बैंक जी, वहाँ सीसीटीवी रिकॉर्डिंग फुल एचडी में है वो भी। यानी आपको क्या लगता है कि कौन बेस्ट है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, बट हाँ, हेट मत देना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो सीधा हो जाएगा। देन गाइस, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है गॉड लाइक की। तो रिसेंटली गॉड लाइक एक टूर्नामेंट को सीरियसली नहीं ले रही है एंड वो है यूई पेट्रॉइड, सॉरी अगर गलत प्रोनाउंस किया तो माफ़ कर देना वो चीज़। तो उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए फिक्सर्स ने कुछ ये बोला। फॉर गॉड लाइक Mavi से डायरेक्ट हम मारेंगे, मारो मारो, हमें तो पसंद है, मारा मरी करो, कुटा कुटी करो, सब करना है जो करना है कर लो। पेट्रियट कप में हुआ है ब्रो, मैं आज पेट्रियट कप देख रहा था सुबह सुबह, इनफैक्ट मेरे अभी टीवी पे उसी का ही लाइव स्ट्रीम चल रहा है। बस समझ नहीं आया शैडो कैसे खेल रहा है। शैडो खेल रहा था फ्रॉम टीम गॉड लाइक, उसने उस पर रजिस्टर किया था या जीटी नहीं खेल रही है, क्या चल रहा है? व्हाई इज जॉनी नॉट प्लेइंग इन द पेट्रियट कप? शैडो, अपोलो, हाँ अपोलो भी खेल रहा है, मतलब वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रहा कि रजिस्टर कहाँ से हुए हैं सारे, बिकॉज दे आर गुजरात टाइगर्स और रजिस्टर हुए हैं गॉड लाइक में। गुजरात टाइगर्स का गॉड लाइक के साथ तो कोई लेना देना नहीं है, ही इज नॉट सीरियस अबाउट दीज टूर्नामेंट्स। तो आई थिंक इनवाइट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है, अगर आप फुल पावर सीरियसली वो चीज़ नहीं खेल पा रहे हो तो आई थिंक फोकस ऑन स्क्रिम्स, डू अदर थिंग्स, क्योंकि फैंस भी आते हैं आई थिंक सुबह सुबह बैठे रहते हैं कि हाँ जॉनी आके खेलेगा, गॉड लाइक खेल रही है, फिर फैंस भी थोड़ा सा निराश। गाइस, अगर जो निराश वाली बात इन्होंने करेगी कि अगर कोई प्लेयर्स को देखने के लिए फैंस आती है एंड वो प्लेयर नहीं खेल रहा होता है तो ऑब्वियसली हमें भी बुरा लगता है एंड इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। देन गाइस, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है गॉड लाइक को क्या सच में सोल टारगेट करने वाली है एंड इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सरदार जी वाइटिया ने कुछ ये बोला। टारगेट होगी क्योंकि मुझे चांसेस लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि यस लास्ट डे, मुझे लग रहा है कि डे वन से रोकने की कोशिश की जाएगी, फेम के लिए टारगेट करेंगे। अब वो किसी के लिए भी करे वो मैं नहीं कह रहा, फेम के लिए करे, अच्छी टीम को कंपटीशन में आगे ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए करे, कुछ भी सोच के करे, व्हाटएवर द माइंडसेट इज, कुछ भी मंशा हो मित्र, कुछ भी हो मंशा, मगर टारगेट तो टारगेट हो। नहीं गाइस, सोल की परफॉर्मेंस जो अभी चल रही है इस ESL के अंदर है, इतनी खतरनाक परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर रिएक्ट करते हुए सिड भाई ने कुछ ये बोला कि यार टीम और सपोर्ट स्टाफ इतनी अच्छी है कि मुझे टीम में क्या चल रहा है वो देखना भी नहीं पड़ता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता, जिससे मैं अपने खुद के कॉन्टेंट के ऊपर फोकस कर पाता हूँ, कितना ग्रेटफुल हूँ मैं, लकी हूँ। देन गाइस, इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए एक बंदे ने लिखा, सिड भाई पहले के रोस्टर था तब आप क्या करते थे? एंड सिड भाई ने कुछ ये लिखा, कुछ नहीं करता था 10 साल से, कुछ नहीं करने के पैसे दे रहे थे इंडिया के टॉप ऑर्ग्स एंड दैट्स ऑल गाइस। सिड भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे हाइप हो गए एंड लोगों को अब तक समझ में नहीं आती है सिड भाई क्या करते हैं एंड सिड भाई टीम में क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रही, इन सब के ऊपर उनको जवाब देना होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। देन गाइस, अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है स्नैक्स भाई की। तो स्नैक्स भाई ने ये स्टोरी शेयर करी बिकॉज उन्होंने एक व्लॉग कह सकते हो वो डाला था एंड उसके ऊपर
ऑडियंस का इतना ज़्यादा अच्छा रिवर्ट देख के उनको बहुत खुशी हुई, उन्होंने हम सबको थैंक यू बोला है। तो ये उनकी स्टोरी थी। देन गाइस अपनी नेक्स्ट न्यूज़ है रैगल टॉस की। एंड रिसेंटली रैगल टॉस को कुछ फैंस मिले गेम के अंदर, देन कुछ ये हुआ। हेलो दोस्तों, हेलो 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 हाँ भाई अरे मुक्का चला रहे भाई भाई कृति का मुक्का मार रहे ऐसे करते हैं जरूर आपसे मीटअप करना है भाई फेस टू फेस। मिलते हैं चलो आ जाओ तलवार फाइट निकालो तलवार 1 2 3 का छोटी सी है ना अरे मार डाले लव यू भाई लव यू मेरी जान लव यू बैठो भाई That's it for the video guys. मैं मिलूँगा आपसे next video में, तब तक के लिए bye bye tata and हाँ ऊपर नीचे गलतियाँ तो मैंने करी है माफ़ कर देना, कुछ ऊपर नीचे ज़्यादा ही बोल दिया हो तो हर्ट मत लेना, दिल पे मत लेना, थोड़ा सा फनी वे में करना चाहता हूँ मैं, बट ठीक है। तो see you soon, राधे राधे।